साडा पिंड जिला सियालकोट तहसील पसरूर पिंड सुहावी से उत्थे मिडल स्कूल सरंगिया च मैं पढ़ता हुंदा सी। उहदे विच जदों पार्टीशन होई है हिंदुस्तान पाकिस्तान बनिया उत्थों छड्ड के असीं बटाले आ गए। आप मैं भजन लिखता रहा, आप ही गाँव रहा, उर्दू ही गाँव रहा। हूँ इस वास्ते है कि मेरा शरीर जरा कमजोर हो चुका है, इस वास्ते डॉक्टर ने कहा कि हम तुम ब्रेन हैमरेज वजह के ना हूँ तुम गाना बजाना जरा छोड़ दो अपना प्रभु का। जीवन चलाने वास्ते रोटी का कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नवा दसा की कमाई जी साढ़े गुरु महाराज दसते हैं कमा के खाओ तो जीवन जरा वो बेहतर रहा। अगर तुम कोई गलत काम करोगे तो जीवन जरा खराब हो जाएगा। गुजारा जरा वो जिस तरह ईश्वर ने लगाना सबर संतोष न गुजारा होंगे। जो मन में ये रखिए कि संतोष ही ना रखिए उदे नाल भावें करोड़ों रुपये आ जाने वो बंदा भुखे का भुखा ही होंगे। भावें थोड़े होन संतोष होना चाहिए। प्रभु ये बेनती की हुई है कि मैं कम करता ही मरा, मैं किसी के हथों की कोई कमाई नहीं खा सकता ना मैं खाना, मैं कम करता ही मरा। जो मरा मैं उससे वो पता किसी लगे कि मर गया। मैं ये वेलिया बह के मंजी से पैरा नहीं जाता। जाब राजे चिंतापुरनी ओ सच्ची सरकार, ओ सच्ची सरकार अपगदा चलिए मादेदार। आज असीं अपने दर्शकों नूं एक जिंदा तस्वीर दिखावांगे। तस्वीर मूहों बोलदी, तस्वीर किस बजुर्ग की है कि जो 17 साल की उम्र के पाकिस्तानों भारत वापस आता वा बटाले आता वा तो फिर इतने आन के जात सीखता वा दर्जी की कपड़े सीन की जात सीखता वा, क्योंकि उस वेले मुल्क जदों वंड होंदी है दोवां मुल्कां दी तां फिर आन के इत्थों अपना एक फर्श तो काम जिहड़ा स्टार्ट करना पैंदा वा कि अपने हाथ पल्ले कुछ नहीं हुंदा। उस परिवार नूं उस घर नूं चलाने वास्ते दर्जी का काम सिखाया जाता, कपड़े सिलाई का काम सिखाया जाता। तो उस तो बाद लगातार तुसीं देख सकते हो ये तस्वीर उस बजुर्ग की है, 94 साल की उम्र हो गई है पर अज भी हिम्मत नहीं हारे अपने परिवार नूं चलाने वास्ते। दो बेटे अते नाल आप खुद इतने अपने हाथ के नाल लोगों के कपड़े सींदे ने। इतों तक कि एक हॉकी के खिडारी हुए ने सुरजीत सिंह, उन्होंने भी कपड़े इन वालों सीते जाते लगातार, वो इतने आते इन्हों को आ के कपड़े सुलाते। सब तो वड्डी गल है कि गुणा की गुथली है बापू पूरन सिंह। गुथली की है कि इन वालों उर्दू के भेटा लिखिया जा उर्दू के भेटा लिखिया जा, क्योंकि जिस वे पाकिस्तान सी तो उस वे 8वीं जमात तक पढ़े ने, तो 8वीं जमात तो बाद फिर जो वंड होंगी है तो भारत वापस आ जाते हैं। तो भारत आ के फिर पढ़ाई छड़ देंगे ने, काम काज से पेंदे ने, अपने परिवार को चलाने वास्ते मेहनत करते हैं। तो मेहनत इस कदर करते हैं, दो बच्चे जड़े ने एक चंगी भले नौकरियों से सैट करते हैं, तो दो बेटे नाल जड़ा है टेलरिंग का काम करते हैं। गलबात शुरू करांगे बाबू जी ना पूरन सिंह जी ना। बापू जी पूरन चंद जी सुनते उच्चा थोड़ा है ना, फर्क पै गया कन्ना च? कन्ना च फर्क पै गया मेरे च, क्योंकि बीमारी की वजह के नाल इस वास्ते दो तीन हार्ट अटैक ब्रेन हैमरेज होए ने, उसकी वजह नाल मेरे कुछ कान जड़े ने बहुत बोले हो गए। और मैं बुजुर्गो ए वेला वा कि घर बह के आराम करन दा, पर अज भी 94 साल की उम्र हो गई अज भी कपड़े सीन डे उस तरीके ना हथा मशीन चला रहे। मतलब ये जीवन चलाने वास्ते रोटी का कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नवा दसा की कमाई जी साढ़े गुरु महाराज दसते ने कमा के खाओ तो जीवन जरा वो बेहतर रहा। अगर तुम कोई गलत काम करोगे तो जीवन जरा खराब हो जाएगा। जीवन सही ढंग ने रखने वास्ते नवा दसा की कमाई करनी चाहिए है और धार्मिक सुभाव रखना चाहिए। हर एक का यो है कि भला मंगना चाहिए, असं हर एक का भला मंगना है। असं अपने मुल्क का भला मंगना, अपन फौजा का भला मंगने, सब जीवों का भला मंगने, अपना भला मंगने। इस वास्ते असी कमाई जी हथा ना कर रहे, थोड़ी मिले जिस तरह मिले असी गुजारा करना। ये असी
17 साल की उम्र के भारत आ जाते ज्वाइन होंगी दोवां मुल्कां दी तां उत्थे अपने कोई रिश्तेदार साग संबंधी अजे भी रहिंदे आ पाकिस्तान कड़े पिंड च रहिंदे सी साडा पिंड जिला सियालकोट तहसील पसरूर पिंड सुहावी सी उत्थे मिडल स्कूल सरंगियां च मैं पढ़दा हुंदा सी उहदे विच जदों पार्टीशन होई है हिंदुस्तान पाकिस्तान बनिया उत्थों छड्ड के असीं बटाले आ गए शुरू तो लैके असीं बटाले रहे हुण तक बटाले जीवन बता रहे ऐसे ठीक ठाक आ बहुत सारिया भेटा लिखिया तुसी पता लगा बहुत सारिया भेटा लिखी मैं बहुत सारे भेटा ने आप लिखना आप गाना रहा हूँ आप मैं भजन लिखता रहा आप ही गाँव रहा उर्दू च गाँव रहा हूँ इस वास्ते है कि मेरा शरीर जरा हम कमज़ोर हो चुका है इस वास्ते डॉक्टर ने कहा कि हम तुस ब्रेन हैमराज वजह के नाल हूँ तुम गाना बजाना जरा छोड़ दो अपना प्रभु का ध्यान रखो मैं ईश्वर भगती करना हर वेले मेरा ध्यान उधर रहा क्योंकि मैं मंदिर अजे भी कीर्तन करना अजे इस वास्ते कि मैं होर काम कोई ऐसी कोई नहीं करता सवेरे हट्टी तो 9 बजे आना रात को 9 बजे चले जाना भोजन करना अपना बिस्तर च लेट जाना सवेरे उठने नहाने धोने प्रभु भगत जी भजन करने मंदिर जाने आरती करने प्रभु नूं भोजन भोग लगा के फिर अपना अपना रोटी खा के घर आ जाए तो एक चीज दस्यो कि जिहड़ा काम तुसीं करदे हो इस काम दे नाल गुजारा सही हो जांदा घर दा कहिंदे आ गुजारा जिहड़ा ओह जिस तरह ईश्वर ने लगाना सबर संतोष नाल गुजारा हुंदा जे मन विच इह रखीए कि संतोष ही ना रखीए उहदे नाल भावें करोड़ां रुपये आ जाण ओह बंदा भुखे दा भुखा ही हुंदा भावें थोड़े होण संतोष होना चाहिए सानूं संतोष है थोड़े दे बहुते ईश्वर की मर्जी है जो कुछ करना उहने करना।